Assalamu alaikum. I'm Nabeela from Dhaka Community Medical College. Welcome to our biochemistry series. So in this series, we have started card 1 series, item series. So without wasting much time, let's start with. हम लोगों ने previous lecture में देखा था crystalloids and colloids के बारे में. So हम लोगों ने basic पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने crystalloids की definition देखी, उसका criteria देखा था, colloids की definition, उसका criteria देखा था, crystalloids और colloids के बीच में difference देखा था, और एक बहुत ज़्यादा important why question हम लोगों ने देखा था, that is क्यों crystalloids के अंदर high osmotic pressure होता है, right? अब हम लोग पढ़ेंगे ये भी why question, और इनफैक्ट रिटर्न में भी आता है कि भाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. ओके, अब देखिए ये रिटर्न में आता है, तो आपको रिटर्न में एनी टू प्रॉपर्टीज कहा जाता है, या मैम आपसे पूछेंगे ओके व्हाट आर द इन वाइवा, लाइक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें आपको नेम बताने होंगे, एंड शी विल आस्क यू टू एक्सप्लेन कि हाँ भाई ओके याली प्रॉपर्टी बताइए, एक्सप्लेन कीजिए या याली बताइए, तो इस तरीके से शी विल टेल यू. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट, या इसी का एक और नाम है जिगजैग मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये मूवमेंट सबसे पहले चेक किया था कोलॉइड्स में, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये एक इरेगुलर कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट होता है, जो कि कोलॉइड पार्टिकल्स में होता है, जब उनको क्या होता है माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से क्या होता है देखा जाए, मतलब इट्स अ कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट. जो कोलॉइड पार्टिकल्स इसलिए क्या कर रहे हैं, जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक दिस, ये जिगजैग है ना, तो ये हमारे कोलॉइड पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये इधर गए ऊपर, फिर ये नीचे आया, डायरेक्शन ऐसे बदल रहा है उनका, राइट, दिस काइंड. सो दिस इज अ कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल्स. सो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट और द जिगजैग मूवमेंट. ओके, सो इट इज इरेग्युलर कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स. कब होता है, वेन सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. एंड रेट ऑफ मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि भाई कितनी स्पीड से भागेंगे, तो लाइक रेट ऑफ मूवमेंट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल्स. ओके, ऑब्वियसली इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, कि भाई कोई बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है तो वो ज़्यादा फास्ट भाग सकता है, या एक स्लिम ट्रिम पतला इंसान बेचे वो ज़्यादा फास्ट निकल सकता है. ऑब्वियसली पतला इंसान थोड़ा ज़्यादा फास्ट भागेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, और वो कोई भी पतली सी भी जगह से आराम से निकल जाएगा. ठीक है, तो रेट ऑफ मूवमेंट क्या है, तो चूंकि कोलॉइड पार्टिकल्स का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, तो इनका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, ये उतनी स्लो क्या करेंगे, जिगजैग मूवमेंट करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द ब्राउनियन मूवमेंट. सेकेंड मूवमेंट आता है हमारे पास, और फेनोमेना हम कहेंगे दैट इज़ द टिंडल फेनोमेना और ऑप्टिकल फेनोमेना. ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी देख अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में, अब काफ़ी छोटे क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे टिंडल फेनोमेना. ये भी साइंटिस्ट के ऊपर था, टिंडल नेम था साइंटिस्ट का. सो बेसिकली व्हाट इट सेज कि व्हेन लाइट पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन, जब भी किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करती है, तो लाइट का जो पाथवे है वो क्या होता है, विजिबल होता है, जब उसको हम राइट एंगल से देखते हैं, ओके, टू द लाइट सोर्स. एंड द फेनोमेना इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट रेज बाय कोलॉइड पार्टिकल्स. अब देखिए ब्राउनियन मूवमेंट हमें कब दिख रहा था, जब हम कोलॉइड पार्टिकल्स को उसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख रहे थे. टिंडल फेनोमेना कब होगा, जब हम उसे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पर बेसिकली ओके मूवमेंट तो पार्टिकल्स का होता है, सॉल्यूशन तो मूवमेंट नहीं करता ना, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, राइट. सो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, ओके, दिस इज आर सम कोलॉइडल सॉल्यूशन, ओके, ठीक है. तो ये इसका जो लाइट का जो पाथवे, मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, ओके, ये हाँ यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, लाइट रेस हमारे पास आ रही है, तो जब हम राइट एंगल से इसे हम देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ क्या होगा, जब हम इसको देख रहे हैं राइट एंगल से लाइट सोर्स के, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्स करेगा, ठीक है, इस तरीके से. और हमें ये वाला जो ये जो पाथवे हो रहा है लाइट का, ये क्या हो जाएगा, हमें दिखाई देगा. ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे कि जब आप देखते हैं ना कोई फॉरेस्ट एरियाज में, जहाँ पर हर जगह क्या होता है, बहुत ज़्यादा घने ट्रीज होते हैं, तो कुछ एरिया जहाँ से धूप आ रही होती है, तो वहाँ से हमें जो होता है, जो धूप का जो पाथवे पार्टिकल्स जो रहते हैं सन रेज के, तो वो हमें क्या होता है, विजिबल होते हैं, दैट इज़ अ टिंडल फिनोमेना. ओके, सो सेम कोलॉइड्स में भी होता है, तो इस तरीके से. और यहाँ क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ से ऐसा हो रहा है ना, तो एक 90 डिग्री एंगल क्या हो रहा है, बन रहा है, राइट. सो दिस इज व्हाट द टिंडल फिनोमेना इज. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट रेस क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहे हैं. सो आई एम जस्ट पुटिंग इन टू द सेंटेंस, व्हेन लाइट पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन, लाइट पास हुआ कोलॉइडल सॉल्यूशन से, द पाथवे ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. हमें लाइट का जो है पाथवे क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है, व्हेन सीन एट राइट एंगल टू द लाइट सोर्स. या और भी किसी एंगल से डिस्पर्जन हो सकता है, यहाँ डिस्पर्जन हो सकता है, सो दैट लाइक हमें सिर्फ लाइट सोर्स के राइट एंगल से देखना होता है. ओके, एंड ये क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, यानी कि लाइट रेस क्या हो रही है, बिखर रही है, राइट, बाय कोलॉइड पार्टिकल्स. नेक्स्ट फिनोमेना इज द इलेक्ट्रिकल फिनोमेना. ओके, कोलॉइड पार्टिकल्स कैन
कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज. ऑब्वियसली कोलॉइड पार्टिकल्स जो हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. ओके, न्यूट्रल को ऐसे कोई चार्ज नहीं माना जाता, इट्स जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो कोलॉइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. और ये जो चार्ज होता है इनका कब होता है, जब उनका एक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हो. और ये मैं अभी बताऊंगी इंशाल्लाह आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है. और इस इलेक्ट्रिक पीएच पे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे ये खास आयन की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ज्विटर आयन. ठीक है, सो बेसिकली कोलॉइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं बोथ पॉजिटिव नेगेटिव. कब होते हैं, जब उनका जो पीएच क्या हो, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हो और इस पीएच पे वो एक ज्विटर आयन की तरह बिहेव करते हैं. एंड ये इस मोमेंट पे क्या होते हैं, दीज आर लीस्ट सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं. एंड ये देन प्रेसिपिटेट आउट. ओके, व्हेन दे बिहेव एज ज्विटर आयन एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. और कोलॉइड पार्टिकल्स को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसके बारे में आप लोग अपने हायर सेकेंडरी में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि भाई एक ऐसा बीकर होता है उसके अंदर रॉड्स लगा दी जाती है एंड चार्जेस का ट्रांसफर होता है, दैट्स इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. ओके, इट इज़ द पीएच एट विच द बायोमोलिक्यूल्स बिहेव एज ज्विटर आयन. ये वो पीएच है जहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ज्विटर आयन के थ्रू. अब ज्विटर आयन एक खास तरीके का आयन होता है, मैं जस्ट अभी बताऊंगी इंशाल्लाह, जिसके पास क्या होता है सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके सर्फेस पे. नाउ व्हाट इज ज्विटर आयन, ज्विटर आयन इज अ मॉलिक्यूल जिसके पास बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज क्या होते हैं सरफेस पे होते हैं, इक्वल अमाउंट रहते हैं. ऑब्वियसली यार इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तो दे विल डेफिनेटली नलीफाई इच अदर, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. सो ऑब्वियसली टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रल. तो दैट इज कोलॉइड पार्टिकल्स जो होंगे इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे एट सम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे. ओके, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है, उस वो पीएच जहाँ पर जो कोलाइडर पार्टिकल्स है वो बिहेव करते हैं किस तरीके से, ज्विटर आयन के थ्रू. यानी कि ज्विटर आयन क्या होता है, यानी कि बेसिकली वो क्या करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है इनके पास, नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी कि ये क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. एसिडिक पीएच में अगर हम लोग बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, इट इज ऑल्सो बायोमोलिक्यूल राइट, सो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं. वाइल स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच की अगर हम लोग बात करें तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. यहाँ देखिए कैटायन है. ओके, ज्विटर आयन क्या है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो है हमारा क्या हो रहा है ज्विटर आयन, यानी कि पास इसके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, ये अमाइनो एसिड का एग्जांपल है. ठीक है, और ये जो है अल्कलाइन पीएच की हम लोग बात करें तो अल्कलाइन पीएच पे क्या है, मैं AL के लिख दे रही हूँ, अल्कलाइन पीएच पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अमाइनो एसिड में. और एसिडिक मीडियम में यहाँ जो है वो एसिडिक पीएच पे क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस इज इट. आप लोग के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा डेफिनेटली, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.